बैक टू माई चैनल। आज का जो मेकअप लुक है वो है दुर्गा पूजा मेकअप लुक। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो अगर आप स्किप करते हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली मेरी हर एक न्यू वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो टू स्टार्ट। सो मैं स्टार्ट करती हूँ गुड वाइब्स का सीरम से, इससे फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए। और आगे फाउंडेशन लगाने से, फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करने से फाउंडेशन का बेस अच्छा होता है। सीरम लगाने के बाद मैंने यहाँ पे फिटमी का कंसीलर लिया है बेस, आई बेस के लिए। सो क्योंकि आई मेकअप करना है तो उसके लिए कंसीलर लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं यहाँ पे अच्छे से कंसीलर को सेट कर लूँगी अपने एक ब्रश से। मैंने यहाँ पे फिटमी का फाउंडेशन लिया है और मैं अपने पूरे फेस पे इसे अप्लाई कर लूँगी एंड एक स्पंज के हेल्प से पूरे फेस पे ब्लेंड कर लूँगी। आप अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर लीजिएगा। किसी भी मेकअप करने के पहले आपका बेस अच्छे से सेट होना चाहिए जिससे आपका मेकअप अच्छे से आगे दिखेगा। सो यहाँ पे मैं अच्छे से अपने फेस को सेट कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने आईब्रोज को फिल कर लिया है। अगर आपके पास आईब्रो पेंसिल है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। फेस को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे फिटमी का कॉम्पैक्ट यूज़ किया है तो मैं अच्छे से कॉम्पैक्ट लगा के अपने पूरे फेस को सेट कर लूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैंने यहाँ पे आई मेकअप के लिए एक सेलो टेप लिया है तो मैं अपने सेलो टेप को अपने साइड वाले दोनों तरफ लगा लूँगी जिससे कि मेरा आई मेकअप अच्छा दिखे। मैंने क्रीज पे ब्राउन शेड लिया है, देन मैं ब्राउन शेड अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पे एक रेड शेड लिया है, रेड को भी मैं अप्लाई कर लूँगी और दोनों को साथ में ही अप्लाई करूँगी क्योंकि दोनों का कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होगा ब्राउन और रेड का। तो मैं इसे क्रीज पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी पहले, और बहुत ब्लेंड करना पड़ता है तो ब्लेंडिंग के लिए आप टाइम दीजिएगा। सेम प्रोसेस से मैं सेकेंड आई में भी वही करूँगी, पहले ब्राउन और देन उसके बाद रेड शेड मिक्स करके अप्लाई कर लूँगी। आई के इनर पे मैंने गोल्डन शेड पिक किया है तो मैं आई के इनर पे गोल्डन शेड लूँगी, डैब डैब करके लूँगी। इससे ब्लेंड नहीं करना है, इसे जस्ट हमें डैब डैब करके ही सामने वाले आई पे लगाना है। सेम मैं उसे सेकेंड आई में भी अप्लाई कर लूँगी ये गोल्डन कलर को, और इसे भी डैब 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 करके ही आपको करना है। शैडो लगाने के बाद मैंने यहाँ पे एलेटिन का लाइनर लिया है सो मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ। मैंने अभी तक सेलो टेप को निकाला नहीं है, मैं उसे रहने दूँगी और उसके साथ ही मैं लाइनर लगा लूँगी। इससे क्या होगा, मेरा आई लाइनर अच्छा दिखे। अगर किसी को लाइनर लगाना नहीं आता, आप इसी तरीके से सेलो टेप लगा के लाइनर लगा सकते हैं, विंग लाइनर भी ड्रॉ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका आई लाइनर ख़राब नहीं होगा और स्पेशली जो बिगिनर्स है उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप चाहो तो ऐसा इस तरीके से लगा के, आप सेलो टेप लगा के आप यूज़ कर सकते हो अच्छे से। सेलो टेप वाला आइडिया मुझे फ़र्स्ट टाइम आया, मैंने यूट्यूब पे किसी को देखा था तो मैंने इससे पहले कभी सेलो टेप लगा के आई मेकअप नहीं किया, ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है। उसके बाद मैंने अब मस्कारा अप्लाई कर लिया और अपना लोअर लाइन पर भी मैंने यहाँ पर ब्राउन और रेड शेड मिक्स करके मैंने लगा लिया है। देन उसके बाद मैंने मेबलिन का काजल लिया है। लिपस्टिक के लिए मैंने लैक्मी का लिक्विड लिपस्टिक यूज़ किया है, इसका शेड है वेलवेट रेड। मैंने रेड कलर इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरा ड्रेस भी रेड है तो ये ड्रेस के साथ मेरा मैचिंग हो जाएगा। फेस थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे बिंदी लगा लिया है स्टोन का, और ये रहा मेरा फाइनल लुक, आप देख पा रहे हो। अगर वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।